हेलो छात्रों, मैं संतोष सर दीक्षांत एजुटेक से आपका स्वागत करता हूं। वर्ग 9 के विषय हिंदी स्पर्श में पाठ तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ का पहला पाठ अर्थात प्रथम भाग आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार रिकैप लेता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अतिथि के 4 दिन होने पर लेखक के घर अतिथि आए हैं। अतिथि देवो भव के अंतर्गत अतिथि सत्कार के लिए उन्होंने प्रथम दिन ही अपनी पत्नी के साथ उनकी आवभगत की, सादर नमन किए, प्रणाम किए और अपने घर में उन्हें डिनर के रूप में रात के भोजन के रूप में उन्हें उच्च मध्यम वर्गीय परिवार जैसा भोजन, 2 सब्जी रायता के साथ मीठा भी बनाए खिलाए। लेकिन अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कैलेंडर की तारीखें दिखा रहे हैं, उनको दिखा के पलट रहे हैं। वो अतिथि महोदय कैलेंडर के सामने ही बैठ के सिगरेट पीकर उसकी धुआं फेंक रहे हैं, परंतु उन्हें उनकी हिसाब लगाने की दुहाई देते हुए लेखक कहते हैं कि आप अगर हिसाब लगाना जानते हो तो देख लो कि कितने दिन हो गए, तुम्हें तो 2 दिन में वापस हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब आपके न जाने से मेरा बटुआ भी कांप गया है। मेरे आप आर्थिक स्थितियों को भी देख लिए, मेरे प्रेम स्नेह भी ले लिए, अंतरंग बातों को भी बातें कर लिए। आप आपस में हम लोग स्नेह का, प्रेम का आदान प्रदान भी कर लिए, अब क्या चाहिए अतिथि, अब तो जाओ। यह सत्कार बना रहे, यह मन में प्रेम भावना बनी रहे, इसलिए दूरी बनाओ, अब चले जाओ अतिथि। परंतु अतिथि महोदय जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आइए आगे के पार्ट में देखते हैं अतिथि के साथ क्या हो रहा है। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। वो आशा कर रहे थे कि दूसरे दिन इनकी मेहमान नवाजी में पति और पत्नी दोनों ही लेखक लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक इनके पसंद का भोजन वगैरह सब कुछ दे करके इनकी तमाम सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने से बेहतर इन्हें सुविधाएं दे करके भी जब 4 दिन तक अतिथि नहीं गए हैं तब इनके मनोभाव क्या हो रहे हैं। कि आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे, हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, नहीं नहीं एक दिन और रुक जाइए, परंतु मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। इतनी आशाएं थी मन में, हृदय में, कि आप आए, भोजन किए, हमारा व्यवस्था देखे, हमारा सानिध्य स्वीकार किए, हमारा आतिथ्य स्वीकार किए, हमारा आतिथ्य ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद से भाव विभोर हो करके हमें आशीर्वाद देते, प्रेम स्नेह देते और दूसरे दिन किसी अच्छे अतिथि की तरह रेलगाड़ी की यात्रा के लिए निकलना चाहते हैं आप और हमसे कहते कि मैं जा रहा हूँ, हम आपके सामने हाथ जोड़कर आग्रह करते कि नहीं अतिथि देव आप रुक जाइए और 1-2 दिन, फिर भी आप नहीं मानते। वह अच्छे अतिथि की गुणवत्ता होती है, लेकिन आप किस गुणवत्ता के धारक महोदय हैं जो पकड़ लिए हैं कुर्सी, फेविकॉल लगा के बैठ गए हैं, चिपक गए हैं ऐसे कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कई तरह की अंतरंग असुविधाओं से मन में कई विचलित भावनाएं उत्पन्न हो रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ भी कोई अतिथि आए। छात्रों एक छोटी सी कहानी है कि एक अतिथि महोदय थे,
वह किसी के यहाँ जाते थे, वह एक वर्ष में अपने घर का मात्र एक महीना का भोजन करते थे, बाकी के 11 महीना बाहर ही रहते थे। बड़े अच्छे अतिथि थे, क्योंकि वह अगर जाते थे अपने किसी संबंध में तो वहां पर उस संबंध में 2 दिन रहते थे, ज्यादा नहीं। अच्छे अतिथि थे, 2 दिन रहते थे। 2 दिन में उनके साथ अंतरंग अपनी बातों को रखते रखते यह जान लेते थे कि उनका कहां कहां संबंध है, और उस संबंध के तरफ, उस क्षेत्र के तरफ निकल पड़ते थे। वहां 2 दिन बिताते थे, फिर वहां 2 दिन बिताते थे, फिर उनके यहाँ भी उनके संबंधों की जानकारी लेकर के वहां बिताते थे। ऐसे करते करते 11 महीना आराम से, न बनाना, न बर्तन धोना, न बनाने की टेंशन रखना, आतिथ्य सत्कार करवाते थे। ऐसे ही कुछ अतिथि होते हैं जो नाम नहीं लेते जाने का, अपना ठाट बाट मिला, बस जम गए, जम गए हैं। ये भी अतिथि महोदय, हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, ये भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उनके मन में। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। अर्थात दुखी तो हुआ हमारा मन तुम्हारे यहाँ रहने से दूसरे दिन के बाद भी, परंतु हमने तीसरे दिन के लिए अपनी पीड़ा को पी लिया, अपने तमाम असुविधाओं को हमने बर्दाश्त किया और तुम्हें फिर वही पुनः आतिथ्य सत्कार दिया। परंतु अब तो 4th दिन है, अब तो जाओ, जाने का नाम नहीं ले रहा है अतिथि। सत्कार, स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, अर्थात मध्यम वर्गीय जो डिनर कराए थे, उस बातों को जेहन में लेकर अपने कह रहे हैं लेखक कि अतिथि स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। अर्थात डिनर तो कराया ही, अगले दिन लंच की भी गरिमा हमने दी। लंच में भी हमने चटनी पापड़ वगैरह आदि इत्यादि दही के साथ आपको खिलाया, यह अतिथि सत्कार हमने किया, प्रदान की। और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया, और रात्रि को सिनेमा भी बैठा करके दिखाया। बावजूद इसके हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, हे अतिथि देव अब तो चले जाओ। इतनी चीजें आपको हमने मुहैया की जो खुद के लिए कभी संभव नहीं हो पाता होगा, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति थक कर चूर हो जाता है जब ऑफिस से घर आता है, और उसके बाद वह सिनेमा देखे, डिनर लंच डिनर करे, लंच या करे, या फिर घूमने जाने की कहीं बात करे, ऐसा बहुत कम संभव हो पाता है, क्योंकि एनर्जी तो उसकी खर्च हो चुकी होती है, उसे रेस्ट की आवश्यकता होती है। परंतु यहाँ पर तो अतिथि के सत्कार में ही इनका कचूमर निकल रहा है। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इतना तो किसी अतिथि का सत्कार हमने नहीं किया जितना कि तुम्हारा किया, फिर भी बने हुए हो, जाओ भाई। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कह रहे हैं लेखक कि 2 दिनों के बाद से तो मैंने किसी अतिथि को इतना सत्कार नहीं किया, फिर भी मैंने अपने दुखों का, गमों का घूंट पी करके आपका सत्कार किया,
आपको टीवी भी दिखाया, सिनेमा दिखाया, लंच कराया बढ़िया बेहतर, डिनर भी दिया बढ़िया बेहतर, फिर भी जाने का आप नाम नहीं ले रहे हो। इससे तो अच्छा होता कि आप रेलवे स्टेशन की तरफ जाते, मैं आपको छोड़ने तक जाता, इतना आतिथ्य सत्कार करता। परंतु जाते तो सही, अब तो बर्दाश्त के बाहर की बात हो रही है, अब हमसे नहीं संभव है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है भारत सरकार की तरह। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तो अतिथि ने क्या किया? तीसरे दिन सुबह तुमने मुझसे कहा, अतिथि ने क्या किया, ये तो उनकी भावनाएं थी, अतिथि ने क्या किया, तो तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, क्या कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। मतलब क्या है, धोबी को कपड़े देना चाहते हो? लेखक के मन में उठी भावनाएं ऐसी हो रही होंगी, अरे भाई हम तो यहाँ सोच रहे हैं कि ट्रेन पकड़ने जाना चाहते हो, यहाँ धोबी को कपड़े दे दोगे तो धोबी भी तो दो तीन दिन का समय लगाएगा, फिर इसका मतलब और हफ्ता दिन, तब तो मेरा पक्का है कि मेरा तो हलवा बना के ही जाओ। यह आघात अप्रत्याशित था, यह जो आघात हुआ, आघात माने गंभीर चोट लगना, यह जो गंभीर चोट लगी, आघात हुआ, यह अप्रत्याशित था, इसकी संभावना नहीं थी, ये तो अचानक ये तो प्राकृतिक आपदा की तरह आ गया। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी, मार्मिक यानी मर्म से भरी हुई, अर्थात ऐसा चोट जिस पर न रो सकते हैं न हंस सकते हैं, बस शांति से उस चोट को बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा आघात अतिथि ने दिया सिर्फ एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। कई भावभीनी बातें, कई अंतरंगी बातें इस एक वाक्य में छिपी हुई थी, क्योंकि धोबी को कपड़े देने का मतलब था इन्हें तो अभी रहने की इच्छा है, और ये रह रहे हैं तो फिर हमारा तो हालत खराब करते हैं। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी, तुम्हारे सामीप्य अर्थात समीप आने की वेला एकाएक रबर की तरह टन जाएगी, टंगने लगोगे आप, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, इसका मतलब देवता के विलोम भी हो सकता है। अभी तो लेखक के मन में ऐसी ही कुछ भावनाएं उत्पन्न हो रही है कि हमारा जो यह अतिथि आया है यह तो देवता नहीं हो सकता, अगर देवता नहीं हो सकता तो उसका विपरीत, जी हाँ, दानव ही हो रहा है, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। वह मानव तो है ही लेकिन थोड़े अंशों में राक्षस भी है, क्योंकि यह राक्षस की प्रवृत्ति ही है कि भाई अपने तो सुख भोगो और दूसरे को दुख दो, दूसरे को व्यथा और अपने सुलभता प्राप्त करने वाले व्यक्ति निसंदेह या तो मानव हो सकते हैं, उसमें भी मानव में भी स्वार्थी मानव हो सकते हैं, या फिर निसंदेह दानव है, भगवान तो नहीं हो सकते। ऐसी भावनाएं अब उत्पन्न हो रही हैं हमारे लेखक के मन में, और हो भी क्यों ना, अगर ऐसे अतिथि आ जाएं या आप इस तरह के अतिथि बनकर कहीं चल जाएं, तब तो वहां उस आतिथ्य को सत्कार में बदलने वाले उस घर वाले के ऊपर निर्भर करता है वो क्या करेगा। कई लोगों के मन में कई तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, बहुत लोग हैं ऐसे जो लाठी लेके भी चहेट सकते हैं, परंतु ऐसा लेखक नहीं कर सकते, क्योंकि यह मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं और मध्यम वर्गीय परिवार अपने प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मान करके चलता है। आइए देखते हैं आगे। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, अब लॉन्ड्री की बात हो रही है, चूंकि धोबी को देने वाला कपड़ा लॉन्ड्री पर दिया जाएगा
और वो अतिथि हैं, तो उसका भी जो चार्ज है वह दिया जाएगा। अर्थात लेखक अपने ही मन सोच रहा होगा कि बाप रे बाप, कैसे स्वागत किए, आप आए थे उसी दिन, दरवाजा क्यों नहीं बंद कर दिए। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। अब मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। वो धुलवाने के लिए भी लेखक तैयार हुए और कहे कि चलिए किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, जल्दी धुल जाएगी। और उनकी मनोभावना ये थी कि जल्दी धुल जाएगी तो महोदय जल्दी चले जाएंगे, परंतु महोदय जी तो महोदय थे। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। अतिथि जो थे उन्होंने पूछा, ये लॉन्ड्री कहाँ है? लेखक कहते हैं चलो चलते हैं। मैंने कहा, अर्थात लेखक ने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। गंजी पहने हुए थे घर में बनियान, उसके ऊपर औपचारिक कुर्ता डालने लगे। कुर्ता पहन करके जाएंगे बाहर। अब कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। ये एक अलग धमाका, क्योंकि पत्नियां जब पूछती हैं तो इनके वो तो एक व्यंग के रूप में ही ऐसी कटाक्ष करती हैं जिसका जवाब असहज हो जाता है पति परमेश्वर को देने में। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहे हैं, इन्होंने बताया कि इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहे हैं। मैंने कहा, अर्थात लेखक ने, मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। एकाएक बड़ी बड़ी हो गई, हाँ मतलब क्या मतलब, अभी रहेंगे महोदय जी, बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व, अब देखिए ये लेखक की मनोदशा क्या हो रही है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व, पूर्व अर्थात पहले, उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, अर्थात विवाह के लिए तैयार हो गया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है, डर लगने लगता है। अभी छात्रों, डर क्यों न लगे। एक कवि ने कहा था पत्नियों के बारे में कि अरे भारत की नारियां बीमारियां नहीं, भारत की नारियां शक्ति होती हैं, भारत की महिलाएं शक्ति हैं। एक श्रोता से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कभी महोदय से पूछ ही डाला कि भाई तो पुरुष क्या होते हैं। बोले अरे पगले, अभी तक नहीं समझ में आया, पुरुष सहन शक्ति होते हैं। तो पुरुष जब सहन शक्ति होते हैं, ये पति देव लोग सहन शक्ति हैं और पत्नियां शक्ति हैं, शक्ति को सहन करने वाला सहन शक्ति, अर्थात ये बड़ी बड़ी आंखें देख करके कभी किसी समय में कुछ वर्ष पहले लेखक ने विवाह करने का मन बना लिया था। ये आंखें उस समय ये टैक्सी की हेडलाइट की तरह बड़ी बड़ी आंखें उस समय इतनी सुंदर लगने लगी थी, उनका सानिध्य स्वीकार करने के लिए यह विवाह करने को तैयार हो गए। परंतु अब जब देखते हैं इन आंखों को, ये एरोप्लेन की हेडलाइट की तरह लगने लगती हैं और डर लगने लगता है। इसी तरह का कुछ डर भय व्याप्त है अभी हमारे लेखक के मन में, शरद जोशी जी के मन में। मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, यानी पत्नी के मन में भी ऐसी आशंका थी कि शायद यह अतिथि जब लॉन्ड्री पे कपड़े जा रहे हैं धुलवाने के लिए, धुल के आएंगे तब तक तो ये जमेगा ही यहाँ पे, अर्थात ये अभी रुकने वाला पार्टी है, ये जाने वाला नहीं है। और ऐसा अतिथि, अब तो अगर इस तरह की बातें हो तो ये बातें कही जा सकती है
ये अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि दानवो भव, है ना। आइए छात्रों, यह पार्ट भी कंप्लीट हुआ, इसके अगले पार्ट में बाकी की कहानी है। चूंकि बड़ा पार्ट है तो अलग अलग पार्ट में बनाना होता है, बनेगा। आप बेहतर ढंग से समझे होंगे आशा करता हूं, और इसके आगे भी इसी तरह की मजा आने वाले हैं। गुदगुदाहट से भरा हुआ है यह पाठ, अतः हम लोग भी लेखक के साथ साथ थोड़ी अपने मनोदशा को हंसाते हुए चलेंगे, खुश होते हुए चलेंगे, हर्षित होते हुए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।